हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थायराइड की समस्या में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हम अपनी थायराइड की समस्या से आज़ादी पा सकें। थायराइड के मरीजों को आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। प्याज, जौ, लहसुन, मशरूम, टमाटर, हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी आदि में प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। नॉनवेज पसंद करने वालों को मछली ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। वैसे तो सभी मछलियों में आयोडीन पाया जाता है लेकिन समुद्री मछलियों में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। दूध, दही और पनीर का सेवन अधिक करें। नारियल का तेल और नारियल पानी का सेवन इस बीमारी में बहुत लाभकारी है। हफ्ते में एक बार नारियल पानी ज़रूर पिएं। सूखे मेवों में अखरोट और बादाम का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये थायराइड की समस्या को दूर करता है, इसलिए आप गर्मियों में अखरोट खाएं और सर्दियों में अलसी भी साथ में खाएं। जो थायराइड नामक बीमारी के शिकार हैं उन्हें अपनी डाइट में अंडे जरूर शामिल करने चाहिए। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो मरीजों को काफ़ी आराम पहुँचाता है। साथ ही अंडों से कमजोरी भी दूर होती है। मेथी हमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। थायराइड नामक बीमारी के लिए मेथी अच्छा आहार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसके अलावा शकरकंद, उबला आलू, ब्राउन राइस, अनार, खरबूजा खाने में शामिल करना चाहिए। इसके साथ आपको सलाद में खीरा, गाजर और अंकुरित अनाज खाना चाहिए और अंगूर, पाइनएप्पल, संतरा, गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं खानी। मिर्च मसाले, चावल, मैदा, मलाई का अधिक प्रयोग न करें। तले हुए खाद्य पदार्थों, चीनी, चाय, कॉफ़ी, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी प्रचुर मात्रा में पिएं। जंक फूड, फास्ट फूड, ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक, पैनकेक, जैम, जेली, कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज़, कैंडीज़, अधिक शुगर वाले आहार नहीं खाएं। हाइपरथायराइड से ग्रसित लोगों को ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन, सोया सॉस से बचें। इसके अलावा आपने शुद्ध दूध नहीं पीना, यानी कच्चा दूध नहीं पीना। आप दूध को उबालकर ही पिएं और उसके ऊपर से मलाई और क्रीम उतार लें। ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलगम नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को छोड़कर आप अपनी थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं। अपने डाइट प्लान को इस अनुसार करें ताकि आपकी थायराइड की समस्या दूर हो जाए और वजन भी कम हो जाए। ये थी इन्फॉर्मेशन थायराइड में कौन सी चीज़ें खाएं और किन चीज़ों से बचें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो के इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।